घर से कोई जाए तो पागल पागल बना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जब मैं पहली बार संघर्ष पार्ट 2 का टीजर देखा था तो मेरा दिल भर आया था कि मैं सच में रो दूंगा देखने के बाद। लेकिन आज खेसारी लाल यादव ऐसा ट्रेलर लेके आते हैं कि मतलब मैं आप सबको बता नहीं सकता हूँ कि मतलब क्या बना दिए हैं। फरिश्ता का ट्रेलर देखने के बाद बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आज गर्व कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव पे कि मैं इस बंदे का फैन हूँ। क्योंकि कोई अगर भोजपुरी इंडस्ट्री बदल सकता है तो वो खेसारी लाल यादव है। इतना चैलेंजिंग रोल में दिख रहे हैं आज के इस ट्रेलर में कि मैं बता सकता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना चैलेंजिंग रोल, इतना पागल वाला रोल सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निर्वाह कर सकते हैं। उसके बावजूद भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि इतना चैलेंजिंग रोल कर ले। मैं ट्रेलर देखने के बाद अभी भी मेरे आँख में आंसू है। जो सच्चे फैन होंगे खेसारी लाल यादव के वो समझ गए होंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और शायद हर एक खेसारी लाल यादव के फैन ये ट्रेलर देखने के बाद उसके आँख में आंसू आया होगा। पूरा ट्रेलर देखने के बाद यही साबित हो रहा है कि पूरे ट्रेलर में दो ही गाने डाले गए हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री बदलेगी और खेसारी लाल यादव खुद उसको बदलेंगे। मुझे पता है खेसारी लाल यादव के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा था कि ये बंदा भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरा फोड़ता से फैला दिया है, लेकिन वही खेसारी लाल यादव हैं। जब संघर्ष पार्ट 2 का टीजर लेके आए थे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब हड़कंप मच गया था कि आखिर क्या लेके आया है बंदा। और आज फरिश्ता का टीजर ट्रेलर देखने के बाद बस इतना ही कह सकता हूँ कि भोजपुरी बदलेगी और यही खेसारी लाल यादव उसको बदलेंगे। मतलब माँ बेटे और बाप का जो प्यार दिखाया गया इसमें, मतलब एंगल से दिखाया गया है। बाप बेटे को पसंद नहीं कर रहा है, माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, कोई कितना भी मान ले। और सबसे बड़ा सस्पेंस छुपा ये है कि शायद वो आदमी पागल नहीं है, पागल बनने का नाटक कर रहा है। लास्ट में जाके पता चलता है कि मतलब कोई है, ये इसके अंदर कुछ है, या तो डबल रोल है या तो मूवी में कुछ ऐसा सस्पेंस रखा गया है कि ट्रेलर देखने के बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लास्ट के सीन में वो दिखाया जाता है कि खेसारी लाल यादव को एक्चुअली पागल ठहरा दिया जाता है, पागल खाने भेज दिया जाता है। यानी कि क्या समझे आप लोग, ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवी बननी चाहिए। हमें नहीं चाहिए साल में 10 मूवी, हमें दो ही मूवी दो बना के, ऐसी टाइप की मूवी दो कि मुझे गर्व हो साला कि मैं भोजपुरी देखता हूँ, मैं भोजपुरी का ऑडियंस हूँ और मैं खेसारी लाल यादव का फैन हूँ। गर्व से कह सके बॉलीवुड वाले शो में कहाँ कहाँ भोजपुरी का मजाक बना के रख दिए हैं, लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि भोजपुरी बदलेगी, यही खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव के फैन बदलेंगे। इतना चैलेंजिंग रोल करना सबकी बस की बात नहीं है, मतलब सब कुछ पे ध्यान दिया गया है। पहली बार इतना इमोशनल खेसारी लाल यादव दिखे हैं। आप सबको मैं हमेशा हंसाता रहता हूँ, हर एक वीडियो में हर एक तरीके से हंसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको कुछ नहीं बता सकता हूँ। संघर्ष में जो खुशी के आंसू आ गए थे कि भाई संघर्ष में ऐसा कुछ देखने को मिला है, मुझे खुशी लग रहा है, लेकिन आज तो सच में मैं मजबूर हुआ हूँ वो ट्रेलर देखने के बाद कि हाँ भाई भोजपुरी में बदलाव हो रहा होगा। सबसे अच्छा काम कोई किया है तो डायरेक्टर का, अब लाल बाबू पंडित का ऐसा ये एकलौती मूवी है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है और दुनिया में कहीं भी लगेगी, चाहे जितना भी दूर लग जाए। मैं संघर्ष 2 देखने ना जाऊँ लेकिन इसको मैं देखने ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि इसका ट्रेलर देखने के बाद जो माँ बाप बेटे का प्यार दिखाया गया एंगल से कि यार मैं दिमाग में घूम रहा है खेसारी लाल यादव का वो पागलपन वाला लुक, भूख लागल बा कि क्या बना के रख दिए हो भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैं मान गया आज कि खेसारी लाल यादव के टक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है, किसी तरीके का उनको जो है एक्टिंग दे दो, रोल दे दो, वो बारीकी से निभाते हैं। और पागल का रोल इतने बारीकी से निभाया है कि मैं इतना चैलेंज से कह सकता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही दो कलाकार हैं जो उस टाइप का रोल कर सकते हैं, या दिनेश लाल यादव निरहुआ हो सकते हैं या यश कुमार हो सकते हैं ऐसा रोल करने के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा रोल कर सकता है कोई। आप सबका क्या मानना, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए। बाकी वो लोग ज़रूर कमेंट करना जो ये ट्रेलर देखने के बाद रोया है।
और खेसारी लाल यादव के सच्चे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब मान लो, मुझे पसंद कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और विनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना। बस चलते हैं, नमस्कार।